नमस्कार, जेजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि बार एसोसिएशन के जो चुनाव है 4 अप्रैल को होने थे, लेकिन कोरोना काल के चलते वो चुनाव है आगे बढ़ा दी है, निर्धारित की गई है कल लोग मतदान करेंगे। बार एसोसिएशन में मैं आपको बता दूं कि 1043 लोग हैं जो मतदान करेंगे। उसके लिए 4 लोग प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, 3 लोग उप प्रधान पद के लिए, 2 लोग सचिव और 2 ही सह सचिव के लिए प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं बार एसोसिएशन की ओर से हम प्रधान उप प्रधान आपसे मिलवा देते हैं कि जो उनके कार्यभार पहले रहे और अब जो नए चेहरे आएंगे उनसे वो किस तरह से उम्मीदें रखते हैं और जो कार्य रह चुके हैं वो किस तरह से पूरी करवाएंगे। तो आइए मेरे साथ मिलवा देते हैं और अंदर का बार एसोसिएशन का जो रुझान है इस वक्त वो मैं आपको दिखा देती हूँ, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। सिंह संधु, सेक्टरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सिरसा। ऐसे ही जब से हम कार्यकारिणी प्रणाली में आए हैं तब से लेकर हमने वकीलों के इंटरेस्ट के लिए काफ़ी एफर्ट किए हैं। जैसे कि हमने यहाँ इस चैम्बर्स कम्प्लेक्स में एक तो नई लिफ्ट लगाई अपनी टर्म में, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के एमपी लैंड से कुछ पैसे आए थे और कुछ ने हम अपनी तरफ से बीच में एडजस्ट करके वो लिफ्ट लगवाई है। और पहले एक लिफ्ट लगाई थी वो भी हमारे कार्यकाल में लगी है। हमने टोटल चैम्बर कॉम्प्लेक्स में 2 लिफ्टें लगाई। हमारे से पहले जो टीम थी उन्होंने उसका नींव पत्थर रख दिया था और उसका जो कंप्लीटेशन है वो हमने कंप्लीट करवाया। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमने ऊपर एडवोकेट साथियों के लिए एक नए कॉन्फ्रेंस हॉल की रेनोवेशन कराई, उसको कंप्लीट कराया कि कल को हमारे कोई साथी किसी प्रकार की कोई मीटिंग करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई किसी तरीके की छोटी मोटी पार्टी के लिए, वो हमने कॉन्फ्रेंस हॉल को बढ़िया तरीके से रेनोवेट कराया। हमने अपनी तरफ से ये एफर्ट किया कि हमारी जो यूनिटी है बार की आगे से ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे नए वकील साथी आ गए, काफ़ी वकील साथी जो यूथ है हमारे आगे से काफ़ी इंक्रीज हुई उनकी स्ट्रेंथ। तो उनके लिए हम न्यू और चैम्बर्स बनाने के लिए हमने डिमांड की थी बिल्डिंग कमेटी से और वो हमारा प्रयत्न जारी था। उसके रिगार्डिंग हमने हाई कोर्ट में भी मीटिंग की, चीफ जस्टिस हैं जो हमारे सिरसा के इंस्पेक्टिंग जज हैं उनसे भी इसके बाबत हमने 1-2 बार बात की और वो हमारा जो मैटर है वहाँ बिल्डिंग कमेटी के पास पेंडिंग है, उसके लिए हमारे प्रयत्न जारी थे। हम ये चाह रहे थे कि जो ये नए साथी हमारे वकील साथी आए हैं उनके लिए और चैम्बरों का निर्माण हो। और इसके अलावा हमने ये जो हमारा लिटिगेशन हॉल है जो लाइब्रेरी के साथ अटैच है, अब अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ एडवोकेट्स उसको हमने बड़ा करने की प्लान किया था, उसको बड़ा किया जाए। तो हमारे 2 साल पहले के कुमारी शैलजा के फंड से पैसे थे 25 लाख आए हुए थे, हम उसको उसमें इन्वेस्ट कराने के लिए हमने अपने प्रयत्न जारी किए। वो पैसा जो था हमारे उसके ऊपर लगना था लिटिगेशन हॉल को हम बड़ा करवाना चाहते थे, पर वो COVID-19 के कारण ये जो भी हमने अपने जो काम सोचे थे वो हम पूरे नहीं कर पाए। हम यही कामना करते हैं कि जो हमारी नई निर्वाचित टीम आएगी तो वो हमारे जो हमने अपने काम सोचे हुए थे प्लान किए थे, जैसे हमारा लिटिगेशन हॉल है उसको एक्सटेंड किया जाए और नए वकील साथियों के लिए नए चैम्बर बनाए जाए, तो वो हम यही कामना करते हैं कि वो हमारे आने वाली जो नई चुनी हुई टीम आएगी हमारे बार एसोसिएशन सिरसा में, जैसे प्रधान जी प्रेजिडेंट आएंगे, सेक्रेटरी आएंगे, वाइस प्रेजिडेंट आएंगे, तो हम यही कामना करते हैं कि वो हमारी इस कार्यप्रणाली को प्रगति में लाएँ और इस काम को पूर्ण करें। देखो जी, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये COVID-19 के मद्देनज़र रखते हुए जो इलेक्शन की प्रक्रिया है इसमें अभी कुछ कोई पिक्चर बिल्कुल सही तरीके से क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि कैंडिडेट अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं कोई सोशल मीडिया के जरिए को कैसे, क्योंकि इस बार जो हमारे ये COVID-19 के कारण हमने किसी के साथ कोई मीटिंग नहीं करनी, किसी को डोर टू डोर नहीं जाना, तो COVID-19 की जो मेन है उसको मद्देनजर रखते हुए जो हर एक कैंडिडेट अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। मैं JBL गर्ग, एडवोकेट प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सरसा। देखो, अभी भी कोरोना महामारी जो चल रही है
बार काउंसिल ने जो इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए, इलेक्शन कराने का जो समय नहीं था, परंतु बार काउंसिल के डिक्लेयर करने के बाद हम ये करवा रहे हैं। देखो, मैं जो भी टीम नहीं गठित होगी उसको ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने वालों, और सजेशन भी दूंगा भी जो कोई कार्य सुचारू रूप से चल रहा था उसको सुचारू रूप से चलाएं, और जो भी वकील किसी की समस्याएं हैं उनका हल करें। देखो, इस कोविड महामारी में हमने चुनाव के लिए पहले एक बूथ बनाया करते थे, अब हमने दो बूथ बनाया, जिसमें जो वोटर है उनकी एक तो लाइन ना लगे, एक उनका डिस्टेंस रहे, ठीक है, मास्क जरूरी की हुई है, और सैनिटाइज एडवोकेट्स के लिए मशीनें लगाई गई हैं जो सैनिटाइज करके मास्क लगा के ही अंदर जाएंगे, और उनके लिए वोट डालने के लिए ग्लव्स का प्रबंध किया हुआ है, हर को ग्लव्स देंगे, ग्लव्स के साथ वो वोटिंग करेंगे। देखो, जो वोटिंग का समय है वो 9 से 4:30 बजे तक का है, और उम्मीद है कि 5:30 बजे तक सारे परिणाम आ जाएंगे। और इसी के साथ ही मैं आप लोगों का यहाँ मेरी बार में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जो टाइम टू टाइम आप जो हमारी न्यूज है वो लगाते हैं। देखिए, बार एसोसिएशन की जो कल चुनाव है वो 9:00 से 4:30 बजे का उसका समय है, जिसमें टोटल 4 पोस्ट के लिए अलग अलग उम्मीदवार होंगे, कुल उम्मीदवार 11 हैं, और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जो भी सरकार के या हेल्थ मिनिस्ट्री के निर्देश हैं, उनकी जो गाइडलाइंस हैं, उनको पूरी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। मास्क लगाए बगैर किसी भी वोटर का बूथ के अंदर प्रवेश नहीं होगा, सभी वोटर्स को हैंड ग्लव्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा, और ईवीएम के थ्रू ये चुनाव होंगे, और भीड़ को रोकने के लिए और उससे बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इस बार ईवीएम की भी 2 सेट अलग अलग बूथ पर लगाए गए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी से बचाव का पूरा गौर किया जाएगा। जो भी वोटर अपना वोट डालने के लिए आएगा उसकी पहले थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, अगर थर्मल स्कैनिंग में किसी का टेम्परेचर हाई पाया जाता है, या कोई वोटर जो खुद कोरोना पॉजिटिव है या कंटेनमेंट जोन से आ रहा है, उसके लिए वोटिंग का समय आखिरी 1 घंटे का यानी 3:30 से 4:30 का रहेगा। प्रॉपर सैनिटाइजेशन वोटिंग शुरू होने से पहले, वोटिंग के दौरान और वोटिंग खत्म होने के बाद पूरे हॉल का किया जाएगा। 4:30 बजे जब पोलिंग का समय ख़त्म होगा ईवीएम के थ्रू, इमीडिएटली उसके बाद में 10 या 15 मिनट के बाद काउंटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो कल शाम को ही इसके परिणाम घोषित हो जाएंगे। हर प्रकार की तैयारी कर ली गई है जी, ईवीएम मशीन से चुनाव होगा, और कुल वोटर हैं 1041। सुबह 9 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगा और 4:30 बजे तक चलेगा, 9 ब्रेक लंच ब्रेक, जो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है वो सारा अडॉप्ट किया जा रहा है। मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी जरूरी, और सैनिटाइजर लगा रखा है दोनों गेटों पर, एग्जिट एंट्री गेट और एग्जिट गेट। सैनिटाइजेशन से अपने हाथ ठीक करेंगे, आती बार भी जाती बार भी।